friends, welcome again. So today's video, highly demanded, has been requested for a long, long time. I know it's been much awaited, so we are finally there. And yes, friends, yes, we're trying to do all your requests, but there are so many friends. And even though we are trying to do like 2 videos per day, we can still not go ahead and, satisfy all your requests because there are so many. And yes, friends, don't get disappointed. We are doing our best and we will eventually come to your request too. So, okay, friends, yes, if you are new to this channel, make sure to subscribe and like and share this video. And yes, friends, if you would like to watch videos in Hindi, we do have a Hindi channel called Momzilla where we do our reactions in Hindi. So I'll put the link of that channel in the description box down below. And if you're interested, you can check that out too. So, okay, friends, back to this video. Now, this video is Ladakh MP Shri Jamyang Tesring Namgyal on the Jammu and Kashmir Reorganization Bill. So, I'm guessing this is a speech in the Lok Sabha in 2019. So, now guys, this is a little lengthy video, but I'm guessing it's going to be very interesting. So, sit and enjoy with us. महत्वपूर्ण बिल पे चर्चा करने का जो मौका दिया, मैं इसके लिए आपका आभार हूँ. सभापति महोदय, आज भारत के इतिहास में वो दिन है. सभापति महोदय, आज भारत के इतिहास में वो दिन है जो गलतियां पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के लीडरशिप में कांग्रेसों ने किया, उस गलती का एक रेक्टिफिकेशन होने जा रहा है और हम सब इसका स्वागत करते हैं. बहुत बहुत सारे लोगों ने अध्यक्ष हो गया दरवाजे बड़े काम है. He's calm and he's like, I deal with this every single day. I would get frustrated. Very nice. Meditation. पूरे चर्चा को अच्छी तरह से सुन रहा था और बहुत लोगों ने, मुझे खुशी हुआ, बहुत लोगों ने लद्दाख ले करगिल के जिक्र किया. लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, क्या वाकई वो लद्दाख जानते हैं ये लोग? आज तक बीते 71 साल, 7 decades लद्दाख को बिल्कुल अपनाया नहीं, बिल्कुल फेंक के रखा वहां पे और वक्तव्य दिया इसी सदन में. वो जमीन है का टुकड़ा है जहाँ पे एक तिनका का घास नहीं उगते. ऐसे वक्तव्य देने वाले क्या लद्दाख को समझते हैं? क्या लद्दाख के विशेष संस्कृति को जानते हैं? क्या लद्दाख के भाषा को जानते हैं? क्या लद्दाख के रहन सहन, खान पान, वहाँ पे वहाँ के ज्योग्राफिकल कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन, जो दुर्गम क्षेत्र है, क्या वो जानते हैं या खाली किताबें पढ़ के बोल रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, लद्दाख ने पिछले 71 ईयर ड्यूटी के लिए संघर्ष किया. हम भारत देश के अटूट अंग बनना चाहते थे. नाइस, वेरी गुड, बहुत अच्छा. मैं 4 तारीख को पहला ज्ञापन लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के तब के प्रेसिडेंट ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को दिया था, तब के प्रधानमंत्री जी को कहा कि लद्दाख को या तो आप सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव ऐसा कुछ बनाइए या नेफा टाइप बनाइए या ईस्ट पंजाब के साथ रखिए, लेकिन किसी भी कंडीशन में हमें कश्मीर के साथ मत रखिए. ये हमने कहा था. लेकिन जिनका सरकार था उन्होंने हमारे सुनवाई नहीं किया, जानने की कोशिश तक नहीं किया. और कश्मीर के नीचे आज तक हमारा डेवलपमेंट
हमारा पॉलिटिकल एस्पिरेशन, हमारा पहचान, हमारा भाषा लुप्त अगर हुआ है तो ये आर्टिकल 370 और कांग्रेस पार्टी जिम्मेवार है। बहुत अच्छा बोल रहे हैं अध्यक्ष जी, वेरी नाइसली सेइंग। मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे वीरों का, कुशोक बाकुला रिंपोचे जैसे महान व्यक्तियों का, थुप्तान सेवांग जैसे जिन्होंने लद्दाख को यह दिशा दिया कि हमें भारत के साथ रहना है, भारत के जयकार करना है, अपने देश के लिए मत मिटने के लिए तैयार रहना है। और आज तक बहुत सारे यहां पे हिस्ट्री का रेफरेंस दे रहा था, मैं याद दिलाना चाहूंगा, चाहे 1965 की वार हो, 1971 का हो, या 1999 का हो, या 1948 के कबीने हमला का हो, इतिहास चेक करके देखिए, लद्दाख ने हमेशा बलिदान दिया, हमेशा देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, आज यहां पे मेरे साथी कश्मीर के ऑनरेबल मेंबर पूछ रहे थे धारा 370 हटने से क्या खोएंगे। मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, एक चीज जरूर खोएंगे वहां, दो परिवार का रोजी रोटी खोएंगे और कुछ सिर्फ दो परिवार का रोजी रोटी खोएंगे और कश्मीर के भविष्य उज्जवल होने वाला है। वेरी गुड, वेरी नाइस। सभापति महोदय, करगिल के जिक्र कर रहा था यहाँ पे और सदन को मिसलीड करने की कोशिश कर रहा था। मैं करगिल से चुन के आता हूँ, मैं घर से कहता हूँ करगिल वालों ने यूटी के लिए वोट दिया है। गुड। मैं याद दिलाना चाहता हूँ सदन को, 2014 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में यूटी हमारे लद्दाख के टॉप मैनिफेस्टो पे था और लद्दाख वालों ने, मेजोरिटी ने यूटी के लिए वोट दिया। 2019 के इलेक्शन में फिर हमने यूटी को इलेक्शन मैनिफेस्टो में लेके आया और हमने दोनों डिस्ट्रिक्ट में, चाहे बुद्धिस्ट का हो चाहे मुस्लिम का हो, दोनों डिस्ट्रिक्ट में, लेह का हो करगिल का हो, हर क्षेत्र में हर लोगों के दरवाजे पे जाके हमने लोगों को यूटी समझाया ये क्या है और लोगों ने बड़ी बहुमत के साथ आज तक लद्दाख में जितना भी पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ है रिकॉर्ड मार्जिन के साथ ये सदन में मुझे आने का लोगों ने अवसर दिया। लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के सरकार पे विश्वास किया, लोगों ने इस यूटी को स्वागत किया। आज करगिल की बात कर रहे हैं, क्या वो जानते हैं ये करगिल? मुझे सदन में कहने के कोई संकोच नहीं है। तब के गृह मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी अब ले पधारे थे, ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री डेलीगेशन जम्मू गए थे, कश्मीर गए थे और आप ले आए थे तब के होम सेक्रेटरी के साथ। पूरे लद्दाख के हर पॉलिटिकल पार्टी से, बीजेपी, कांग्रेस, पीडीपी, एनसी लेके, मैं कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूं, वहां अलग तो वातावरण है, मैं लेके बात कर रहा हूं, और साथ ही साथ हर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के, चाहे लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन हो, अंजुमन इमामिया एसोसिएशन हो, या मौनुल इस्लाम हो, क्रिश्चियन एसोसिएशन हो, हिंदू महासभा हो, सबने एक ही आवाज में कहा कि हमें यूटी चाहिए। राजनाथ सिंह जी पूछ रहे थे और क्या चाहिए बोलो, और हमने कहा और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ यूटी चाहिए। हमने ये कहा था। आज अध्यक्ष जी सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए, अभी तो टीलर है। लेकिन उस वक्त एक दुर्घटना हमारे साथ घटी, आज मैं सदन को अवगत करना चाहूंगा। ले में आपके एनसी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, पीडीपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट,
जिन्होंने यूटी के मेमोरेंडम को साइन किया उन लोगों को आपके कश्मीर के एनसी और पीडीपी ने वहां से प्रेस रिलीज जारी करके अपने पार्टी से बाहर निकाल दिया। आज डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, ये लोग लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। क्या वो थे आपका लोकतंत्र? लोगों का आवाज बंद करना, दबेरे कुचाले रखना, ये आपका लोकतंत्र था क्या? अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, मैं कल 11 बजे राज्यसभा के चर्चा शुरू होने से अभी तक मैं सुन रहा था। बहुत लोगों ने इक्वलिटी की बात किया, 370 जाएगा तो जम्मू कश्मीर में इक्वलिटी नहीं रहेगा, ये होगा वो होगा। मैं सदन से पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, इस सदन में मैं उनको पूछना चाहता हूँ जो ऐसा वक्तव्य देते हैं। आपने जब भारत सरकार से फंड लेते समय आज जम्मू कश्मीर लद्दाख तीनों क्षेत्र आप फंड लेके जाते हो, जब लद्दाख में विकास करने के लिए आते हो तो पूरे लद्दाख के फंड आप कश्मीर में खा जाते हो, क्या ये आपका इक्वालिटी? जम्मू कश्मीर में दो कैपिटल है, एक समर कैपिटल और एक विंटर कैपिटल। मैं पर्टिकुलरली मेंशन करके मैं आपको कह रहा हूं, दोनों वहां पे सिविल सेक्रेटरीट है। आप डेटा खोल के देखिए, उस सिविल सेक्रेटरीट में लद्दाख के कितना मुलाजिम है, क्या ये है आपका इक्वालिटी? अगर आप 1000 एम्प्लॉयज क्रिएट करते हो, जॉब क्रिएट करते हो, जम्मू वाले तो खैर लाख जगड़ के कुछ ले लेते हैं, लेकिन लद्दाख वालों को 10 नौकरियां भी आप नहीं देते, क्या ये है आपका इक्वालिटी? अदनान मसूदी जी यूनिवर्सिटीज के बात कर रहे थे, मैं उनके साथ कांग्रेस वालों को याद दिलाना चाहता हूँ। मैं कांग्रेस वालों को याद दिलाना चाहता हूँ, आपने 2011 में कश्मीर में आपने एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिया, जम्मू में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिया, जम्मू वालों ने लाठ जगड़ के दिया, लाया दिया नहीं, लाठ जगड़ के लिया। लेकिन उस वक्त मैं स्टूडेंट यूनियन का लीडर था, हमने जम्मू में जितने पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट को रोड पे लाके इनके खिलाफ काले पट्टी बांध के हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मांग किया। लद्दाख में एक भी हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन इन्होंने नहीं दिया, क्या ये है आपका इक्वालिटी? कैसे हंस रहा है आपका इक्वालिटी? स्माइलिंग। हाल ही में यूनिवर्सिटी दिया तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया, बिल्कुल ठीक बोला, 100% मुमकिन है, सही में मोदी है तो मुमकिन है। राज्यसभा में कांग्रेस के नेता गला फट फट के कह रहे हैं कि भाई लद्दाख के साथ क्या होगा, लद्दाख के साथ क्या होगा। मैं जानना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से, मैं जानना चाहता हूँ, जब आप 2008 में जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर थे, आपने वहां पे आज नया डिस्ट्रिक्ट बनाया, जिला चार आपने कश्मीर को दिया, तो जम्मू वालों ने लड़ाई की तो चार देना पड़ा, लद्दाख को आपने एक डिस्ट्रिक्ट भी नहीं दिया, क्या ये है आपका इक्वालिटी? ये आपका इक्वालिटी है? आज आप कहते हैं इक्वालिटी, हमारे भाषा लद्दाखी बोटी भाषा कहते हैं, कश्मीरी आपने लिपि ना होने से भी आपने रिकॉग्नाइज किया, शेड्यूल में डाल दिया, जम्मू के डोगरी उन्होंने आंदोलन किया तो उनको भी दे दिया, लद्दाख के भाषा को आज तक आपने रिकॉग्नाइज किया, क्या ये है आपका इक्वालिटी? अध्यक्ष जी, सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी के बात किया जा रहा है यहाँ पे, मैं जानना चाहता हूं जिस कश्मीरी पंडितों को आपने इस धारा 370 के मिस यूज करते हुए लात मार के रातों रात निकाल दिया, क्या ये है आपका सेक्युलरिज्म? यस, ये है आपका सेक्युलरिज्म? इसी तरह 370 को आपने मिस यूज करते हुए कल वक्तव्य दे रहे गौर से, लद्दाख में पहले बौद्ध संख्या ज्यादा था, आज मुस्लिम संख्या ज्यादा है। मैं अफसोस के साथ कहना चाहता हूं, ये आपने धारा 370 को मिस यूज करके जम्मू कश्मीर में आपने बुद्धिस्ट को खत्म करने की कोशिश किया, ये है आपका डेमोग्राफिक मेंटेन, ये है आपके सेक्युलरिज्म? अध्यक्ष महोदय, यही जिन परिवारों ने, मैं नहीं कहता हूं कि वहां पे शासन किया, मैं कहता हूं राज किया, यही परिवारों ने 1979 में
लद्दाख को बंटवारा किया, बुद्धिस्ट मेजोरिटी के साथ ले डिस्ट्रिक्ट, मुस्लिम मेजोरिटी के साथ करगिल डिस्ट्रिक्ट, और हम दोनों भाइयों को लड़वाया आज तक। ये है आपका सेक्युलरिज्म, ये है आपका सेक्युलरिज्म। आज करगिल की जिक्र कर रहे थे, कह रहे थे कि करगिल बंद है। किसने कहा आपको करगिल बंद है? बनने की कोशिश कीजिए। मैं हूँ लद्दाख से, मैं चुन के आ रहा हूँ, आप नहीं आ रहा लद्दाख। आप बैठिए, आप आराम बैठिए, आप बैठिए। गुड भाई साहब, आज आज तक आप लोगों ने बोला, आज हमारा बोलने का। यस वेरी नाइस। मोदी शासन है, बैठिए, मोदी शासन है। ये सिर्फ सिर्फ एक रोड और छोटा सा मार्केट को करगिल समझ बैठे भाई साहब। अगर आपको करगिल देखना है तो संस्कार जाइए, वाखा मूलबेग शारगोल जाइए, आर्यन वैली जाइए, नर्सिक गरखुन देखिए। 70% करगिल के एरियर जो है, वहाँ के लोग जो है, आज इस डिसीजन को वेलकम करते हैं, इस बिल के समर्थन करते हैं। मेरे पास भी टेबल होना चाहिए, तो मुझे भी करना है। आई वॉन्ट अ टेबल टू डू दिस। अध्यक्ष जी, आज ये वही वक्तव्य दे रहा है। अध्यक्ष जी सुनिए, सुनिए, मौका दीजिए, बोलने की क्षमता रखिए। नहीं, सुनने की क्षमता रखिए। किताबें पढ़ के नहीं आता हूँ, लेकिन ग्राउंड की रियलिटी महसूस करके। अध्यक्ष जी, करगिल में जो अभी कह रहा है, ये इन्होंने फोन करके करवा रहा है। उनको भी नहीं पता है वो लोग क्या कर रहे हैं। उनको अपने भविष्य के लिए सोचना चाहिए, इनके जमान पे नहीं जाना चाहिए। ये अपने मुफ्त के लिए, अपने हित के लिए किसी को भी न चाहेंगे। क्रिएटिंग क्योस ना, वहाँ पे टेररिज्म करने की कोशिश कर रहे हैं, भड़का रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, सुनने की क्षमता रखिए। अध्यक्ष जी, आज से 66 वर्ष पहले जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1953 में जो उन्होंने संघर्ष लिया, एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और इसी के संकल्प में मैं गर्व के साथ कहता हूं, इनको नहीं पता लद्दाख वालों ने अभी क्या किया आज तक। 2011 में आज ये कह रहे कि हमारा झंडा जा रहा है, झंडा जा रहा है। भाई साहब, आपका झंडा तो लद्दाख वालों ने 2011 में नकारा है। लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ने रेजोल्यूशन पास किया 2011 में। जम्मू कश्मीर के जो झंडा लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल की चेयरमैन, एग्जीक्यूटिव काउंसलर, जो कैबिनेट और डिप्टी मिनिस्टर के रैंक के होते हैं, उनको उनके गाड़ी को लगता था। हमने उस झंडा को नकारा, हमने नेशनल एम्ब्लेम वाला वहां पे लगाया। गुड, बहुत अच्छा। हम भारत देश का अटूट अंग बनना चाहते हैं। बहुत अच्छा, वेरी गुड, यस। क्योंकि हम मानते हैं आन देश की, शान देश की, देश की हम संतान है। तीन रंगों से रंग तिरंगा अपनी ये पहचान। हाय हाय, बहुत अच्छे, कमाल है। आंसू आ रहे हैं सुन के मुझे तो। अध्यक्ष जी, बड़े आरोनिकल बात है, पंचायत इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और जब अपने कुर्सी के बारे आएंगे तो पार्टिसिपेट करेंगे। बिल्कुल, वेरी ट्रू। ग्रासरूट डेमोक्रेसी नहीं आने देंगे, लेकिन अपने घर का रोटी चलना चाहिए। ऐसा विचारधारा हम एक्सेप्ट, स्वीकार नहीं करेंगे। अध्यक्ष जी, जो कुछ लोग, जो मैं बार बार दो परिवार की जिक्र कर रहा हूं, ये परिवार जो है कश्मीर के मुद्दा जो ढिंडोरा पीट रहा है, वो समाधान चाहने वालों में से नहीं है। दे आर द पार्ट्स ऑफ प्रॉब्लम। यस ट्रू। वो इस प्रॉब्लम का, इस समस्या का पार्ट बन चुके हैं, अंग बन चुके हैं, नशे में है वो।
वो आज भी समझते कि कश्मीर तो मेरा बाप का जगी है, नहीं रहा, नहीं रहा, नहीं है। अध्यक्ष जी, मैं अंत में इसको कंक्लूड करने से पहले मैं भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। श्री नरेंद्र मोदी जी को, गृह मंत्री जी माननीय अमित शाह जी को और पूरे सहयोगी दल को, और जिनका दल नहीं है लेकिन इस बिल के फेवर में आने वाले हैं, उन लोगों को भी मैं लद्दाख, पूरे लद्दाख के निवासियों की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आज पहली बार इस भारत के इतिहास में लद्दाखियों के सेंटिमेंट को, एस्पिरेशन को सुना जा रहा है। उस लद्दाख के जो चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ सीमाएं लगते हैं, उस लद्दाख के महत्वपूर्ण को समझ रहे हैं। इस सरकार में इस बिल को हम वेलकम करते हैं और हम चेंज हो गए अंत में। समझ नहीं सकते लोग अभी तक कंफ्यूज में, उनको एक रिक्वेस्ट छोटा सा देश के लिए प्यार है तो जताया करो, देश के लिए प्यार है तो जताया करो, किसी का इंतजार मत करो, गर्व से बोलो जय हिंद, अभिमान से कहो भारतीय है हम, स्वाभिमान से कहो भारत माता की जय, और वर्तमान में करो इस बिल का समर्थन। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, बेस्ट स्पीच एवर हर्ड, वेरी फ्रैंक, टू द पॉइंट. He answered each and every question and answered back really well. I loved the way he spoke, and the best part was that he insulted in a very humorous way all those people who've been in Kashmir ruling it, thinking, as he was saying, that this is their jagir. To be a part of India is something to be proud of. Friends, back to the speech. Oh my God. It won my heart. I mean, he was so good, so good. I loved it. Those 20 minutes, they just flew away. I was like, this is a long video. But those 20 minutes didn't seem as 20. It was like, you know, just about 2 or 3 minutes. He kept you engrossed and he was to the point. He very clearly told each and every aspect that there is no doubt about the fact that, yes, they wanted to be part of India, and they've been struggling for it for a long, long time, asking for it, demanding for it, but it was never happening. And they're glad, as they said, that Modi hai to mumkin hai, and it was made possible. Right. So very good video. And I mean, it was very nice to hear about somebody from Ladakh. Yeah. See, until now, as he was saying, that Ladakh's language is not recognized. But Kashmiri, and he was saying Kashmiri does not have a particular script or something. He was saying that has been recognized, but not the language of Ladakh. People don't even know what it is. He also said that all the money that comes was never going to Ladakh, and it was really in bad shape. And he also said that Ladakh, well, you had divided the Kargil and the other area, Leh of the, but basically they were same brothers. So there were very good points that he brought. What, you know, any decision that is taken, 370, some people will be not happy and some people will be happy, right? They will have their own reasons. Many people will be like, I don't know, I mean, what it really means. Let's take a look at it. So many people will be like, let's see what happens. I mean, they were showing an interview where somebody was saying in Kashmir that let's see what happens. We don't know what it means, but let's see. So, but the people of Ladakh, they are pretty sure that that is a good thing for them, because as this MP was saying, they have been asking for this for a very long time. They had lagged education, there were no big institutions, and obviously there were no good roads, and that is the reason, right, they wanted to be with India. Now, one thing is obvious, that, you know, Tibet went to China, and now Indian government sees a lot of progress is happening in that part. They're making roads, they are making whatever. I mean, they're doing
things that are not ethical according to people. According to people, they feel that, you know, they are killing their culture or whatever. But the point was, economically, they were growing, right? But the moment you come to this side of the country, Indian country, it's not much happening. So I think the people of Ladakh already knew, and I'm going per what the MP was saying, that they have been asking for ages that please treat us as a union territory, and they are very happy. And to his point of view, I probably think that he is right, because when I had gone, I had seen poverty. I had not seen like fantastic hotels or resorts. There in a hill station, you go to Himachal Pradesh and you see, wow. And you go to Leh and Ladakh and you see, okay, there's nothing in there. So there was not so much development. Why? Why there was not? So that is what they are saying, because nobody invested any money. And now they are getting the ability to have their say, and they want to be directly under the government so that directly funds will come and they will grow. And he was very, you know, particular in saying that, you know, we have a border with Pakistan on one side and China on the other. So he's telling strategically how critical it is, which is also true. So many of the great points that he has mentioned, and I agree to the fact that if people of that region want something and they are voting for it, as he's saying, then it should be given to them. Whether up to you want to give, they want it. Mm-hmm. And if, according to him, if they want it, they feel that they will benefit, and that is what it should be given to them, so that they benefit and they want to be out of the, you know, shadow of Jammu and Kashmir. And as he was saying, Jammu people have been fighting, but they have not been able to fight and get anything. Yeah, they always had to fight to get things. Jammu people. Yeah, Jammu people had to always fight to get something, but they were, and they got it because of fighting. But these, they were, poor them, they were, you know, the silent kind or the sweet kind, I would say, or the simple kind, and they would not be given anything, which is very sad and unfair, as he was saying, that you're talking about equality. Where is that equality? Beautiful speech once again. Had fun watching it and enjoyed it. And we need some great leaders like this, because, I mean, he said that you guys have spoken for a long time. Now it's our turn and you have to listen. So amazing, guys. And you're speaking very good Hindi. So very nice to hear his accent of Hindi. So great. I mean, fantastic people. Work hard and do great and make your home country, which is India, great. And now we'll take your leave and we'll come back again with another video very soon. Till then, take care and bye-bye. Oh, and if you're new to my channel, don't forget to hit that subscribe button and hit the bell icon so it notifies you when I put in my new video for you to enjoy. Bye.